महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संगठन महाराष्ट्र की ओर से ग्राम रोजगार सेवकों पर दिन ब दिन हो रहे अन्यायों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाते हुए विधानसभा पर दस्तक दी। आइए डालते एक नजर। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संगठन के ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके कुछ जो पदाधिकारी है वे विधानसभा में एक डेपुटेशन देने गए हैं। अब देखना ही होगा कि ये लोगों के साथ न्याय होता भी है नहीं। कुछ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि किस बात को लेकर आपने ये आंदोलन छेड़ा है? सर, हमें शासन से ये दुआ करनी है कि हमें एक तो आत्मदहन या आत्महत्या करने का एक अवसर प्रदान करें, या हमारे पेट के लिए थोड़ी सी रोटी अदा करें। क्या प्रमुख मांग है आपकी? हमें मासिक वेतन होना, यह हमारी प्रमुख मांग है। अब कितने वर्ष हो चुके आपको नहीं मिला है? 1972 से महाराष्ट्र में ग्रामीण रोजगार हमी योजना शुरुआत हुई। 1972 से लेके 2005 तक ये महाराष्ट्र में चली। जब महाराष्ट्र में सक्सेस हुई तब दिल्ली सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने, ये योजना बड़ी करके पूरे राष्ट्रीय लेवल में बना दिया है और 2005 को एक एक्ट बनाया। एक्ट के तहत ये ग्रामीण रोजगार हमी जो थी वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना एक्ट हो गई। लेकिन 2005 के बाद जो हम ग्राम रोजगार सेवक महत्व का वो एक मेन पर्सन जिसको बोलते हैं, गांव में जो काम देने वाला, जो रोजगार पैदा करने वाला, जो रोजगार पैदा करने वाला जो ग्राम रोजगार सेवक है वो आज खुद बेरोजगार है। तो हमारा कहना यह है सरकार को कि जब 2005 को तुमने रोजगार देने के लिए एक्ट बनाया तो जो रोजगार देने वाला है उसको एक्ट में नहीं बिठा सकते क्या? आप अगर रोजगार देने के लिए एक्ट बनाते हो तो जो रोजगार दे रहा है उसको तो पेट का कुछ सवाल जो पैदा होता है वो तो पूरा करो। हमें कुछ ना कुछ मासिक वेतन जो भी होता है आपके, मतलब जो आपको पड़ता है वो कम से कम हमें महीने का दो। नहीं तो ऐसा करो, सरकार को मेरी विनती है, हमारा जो फैमिली है पूरा, हमारे बाल बच्चे है, बीवी है, वो आप ये क्या बोलते जिसको पालन पोषण आप खुद कर लो। हम ऐसे ही बैठ जाते, हम ऐसे ही काम करें, हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। यदि सरकार ने आपके बातों को आप मनवाने के लिए सरकार से ये बात कर रहे, गुजारिश कर रहे, सरकार करे कि आपके बातों के ऊपर हमें अमल करे, आपको न्याय दे, लेकिन किसी कारण सरकार ने आपके बातों को अनदेखी कर दी, दरकिनार कर दिया, आपकी मांगों को नहीं मांगा माना, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? ठाकरे सरकार को मैं यहाँ आने के बाद एक ही विनती करूंगा कि हमारी मांगे पूरी करे। आपने जैसा सवाल पूछा कि अगर नहीं मानती तो क्या करोगे, तो हम ये जो आंदोलन खड़ा किया है ये और ज्यादा ताकत में लेके आएंगे और ज्यादा पूरा टोटल महाराष्ट्र जलाने की कोशिश करेंगे, मतलब ग्राम रोजगार सेवकों को और उकसाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानती तो हम खुद को जला देंगे यहाँ पे रोड पे, ये विधान भवन के सामने। मैं खुद शपथ लेता हूँ, इस नागपुर भूमि की शपथ लेता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ आज कि आगे के आंदोलन में मैं खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के मैं जला दूंगा। आप देख रहे कि जिस तरह से ये जो बात की है ये काफी दिल को छू लेने वाली बात है। सरकार इनकी बातों के ऊपर गौर करे, अमल करे, क्योंकि आज शहर का युवा है इस तरह की बात कर रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की बात करना ये बेहद ही बहुत ही बेकार बात है। सरकार इनके ओर ध्यान दे। ये जो राम रोजगार जो है, ग्राम रोजगार सेवक जो है, इन सेवकों को मानधन दे, इनका कामकाज को इनको संवारे संभाले, इनको अच्छा वेतन श्रेणी दे, इनका जो मूलभूत अधिकार है इनको दे, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान में सभी को जीने का हक दिया है, लोकतंत्र में जीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो आज एक हिंदुस्तान की बात को पूरे विश्व में के पटल के ऊपर में जो रखा है, संविधान ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, मगर संविधान का पालन करने वाले कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो पालन नहीं करते, जिसके चलते ऐसे लोगों को इस तरह की बात करना होती है। मैं तमाम आंदोलनकारियों से यह गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि जान इतनी सस्ती होती नहीं है। संघर्ष करना हम लोगों का काम है। हो सकता है यदि हमारी मांगे मंजूर नहीं होती है तो सरकार को मनवाने के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का काम काज कोई भी ना करे, क्योंकि मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। लोग है उसके ऊपर में एक गलत बात जाती है।
इसीलिए सरकार को हम हमारी बात हमारे तरीके से अवगत कराए, मगर इस तरह के कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं उठाना चाहिए ये, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार, अपनी बातें रखने का पूरा उनका अधिकार है, और उसी मार्ग से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनकी बातों के तरफ ध्यान देता भी है या नहीं, सरकार इन कर्मचारियों को, इन ग्राम सेवकों को न्याय देता भी है या नहीं। सरकार ने जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए, इन लोगों को अपने कामकाज पे लेना चाहिए, इनका जीवन संवर्धन करना चाहिए, इनको सम्मान भी देना चाहिए, इनको वेतन श्रेणी भी देना चाहिए, ना कि सरकार इनके बातों की ओर कोई भी दरकिनार इनके बातों को करे। जिस तरह से ये इस युवाओं ने कहा, एज ए पत्रकार करके मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो कहा इस प्रकार की बातें आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पूरा विश्व, पूरी दुनिया देखती है, आपकी बात समझ सकते हैं कि इस तरह के आंदोलन के बारे में ये बातें होती रहती है। सरकार ध्यान दे, इस तरह के नौजवान ये बात करने लगे तो उस दिन उस देश का क्या, समय बहुत आगे आ सकता है। इसीलिए सबसे गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है, इनकी जो मांगे इनको मंजूर करे, और ये लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ, इन ग्राम सेवकों के साथ न्याय करे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।